नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसली। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। मालदीव में आग से झुलसकर 9 भारतीयों की मौत। दूतावास ने जताया है दुख। कहा माले अथॉरिटी के संपर्क में। मालदीव में आग लगने से एक इमारत की प्री मंजिल से 10 शव बरामद किए गए हैं। दमकल सेवा के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें आग को काबू करने में 4 घंटे का समय लगा। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग में भूकंप के झटके, नागालैंड तक कांपी धरती। 3 दिन बाद फिर से 1000 से ज्यादा आए कोरोना के नए मामले। एक्टिव केस हुए करीब 13000। महबूबा मुफ्ती को घर खाली करने का नोटिस। पूर्व सीएम बोली बहन के घर जारी हूं, नहीं बचा का वैकल्प। जडेजा की पत्नी को भी मिला टिकट। गुजरात में बीजेपी ने जामनगर उत्तर से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को टिकट दिया है। उनके अलावा गांधीधाम से मालती बहन को टिकट दिया गया। कोयम्बटूर कार ब्लास्ट मामले में एनआईए का एक्शन। पूरे तमिलनाडु में 45 ठिकानों पर छापेमारी। कोयम्बटूर के कार धमाका मामले को पहले राज्य की पुलिस देख रही थी। इसके बाद 30 अक्टूबर को एनआईए ने आधिकारिक तौर पर मामले की जांच शुरू कर दी थी। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने बांग्लादेशी तस्करों को किया ढेर। चेतावनी देने पर भी नहीं मानी बात। बीएसएफ के जवानों ने तस्करों को अपनी अनुचित गतिविधियां रोकने और बांग्लादेश क्षेत्र में लौटने की चुनौती दी, लेकिन बांग्लादेशी बदमाश ने बार बार जवानों की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। धर्मांतरण कार्यक्रम में शामिल हुए कांग्रेस मेयर वीडियो वायरल होने पर भड़के बीजेपी नेता। कहा इनका इरादा हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना। वायरल वीडियो में शपथ लेते हुए कहा जा रहा है कि मैं कभी भी गौरी गणपति या किसी अन्य देवी देवताओं का अनुसरण नहीं करूंगी और कभी भी उनकी पूजा नहीं करूंगा। आपका एक एक वोट मेरी शक्ति बढ़ाएगा। हिमाचल में मतदान से पहले पीएम मोदी का जनता के नाम खत। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है, इससे पहले पीएम मोदी ने जनता के नाम खत लिखा। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, बस की टक्कर में 3 की मौत, 17 घायल। जम्मू के सांबा शहर के पास जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर चीची माता मंदिर के पास यह हादसा हुआ। गुजरात में राघव चड्ढा का फिल्मी अंदाज याद दिलाया। दीवार फिल्म का डायलॉग मेरे पास केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव जीतने के लिए एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही है और मैराथन रैलियां कर रही है। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी रैली में पहुंचे। बीजेपी ने आर्थिक सुरक्षा छीनी, कांग्रेस बहाल करेगी पुरानी पेंशन स्कीम। हिमाचल गुजरात चुनाव में प्रियंका गांधी का वादा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने पर जनता से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का आश्वासन दिया। फ्यूचर रेडी फोर्स बन रही है भारतीय सेना, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बोले राजनाथ सिंह। मुंबई में ड्रोन और छोटे एयरप्लेन से हो सकता है आतंकी हमला, अलर्ट जारी। बोतल से अश्लील हरकत करने का नाटक। वेल और मेडिकल कॉलेज का रैगिंग वाला वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। जो वीडियो शेयर की गई है वो 9 अक्टूबर की है और इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे फ्रेशर्स अपने अंडरवियर में दौड़ लगा रहे हैं और उन पर पानी डाला जा रहा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा समन, अवैध खनन मामले में 17 नवंबर को बुलाया। मुंबई में खसरे से निपटने के लिए केंद्र ने तैनात की टीम, 90 लोग बीमारी के चपेट में आए। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सभी वार्ड अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। मुंबई में मंगलवार को बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 914 घरों का सर्वे किया और 4086 लोगों की स्क्रीनिंग की। महाराष्ट्र में मुर्गों की लड़ाई पर लाखों रुपये का सट्टा, पुलिस ने रेड में पकड़े 34 लोग। मुंबई, पुणे, अलीबाग और दिल्ली से आए लड़कों का ग्रुप इन मुर्गों पर बोली लगाता है। मुर्गों की लड़ाई में एंट्री करने के लिए महज 5000 एंट्री फीस होती है। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।